अस्सलाम वालेकुम जी, ये अपना है जी अपना वसीम साहब का 70 एम्पीयर का MPPT, ये 16 हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर, 12 वोल्ट 70 एम्पीयर MPPT प्लस हाइब्रिड कंट्रोलर, और ये आगे 145 वोल्ट PV इसकी। ये सिस्टम इसका अभी ऑन होने लगा, ये सिस्टम ऑन हो गया, ठीक है। सेटिंग कर सकते हैं, एडजस्टेबल है, सेंटर बटन को प्रेस करके रखेंगे, एंटर प्रोग्राम आएगा, इधर छोड़ देने, सेट बैक टू यूटिलिटी सेट कर सकते हैं, सेट बैक टू सोलर सेट कर सकते हैं, सेट बैक टू ये बैटरी फुल सेट कर सकते हैं, और बल्क सेट कर सकते हैं, स्टैंड बाय। कोई चीज़ चेंज करनी है यस के ऊपर करेंगे, नो के ऊपर करने से फैक्ट्री डिफॉल्ट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। शेख वसीम साहब का 70 एम्पीयर में MPPT ये ओके है जी। कनेक्शन वैसे ही है, कनेक्शन सबसे ऊपर ये अपना बैटरी नंबर 1 के ऊपर, फिर सोलर, और ये UPS का फंक्शन हाइब्रिड करने के लिए 220 ये लिखा भी हुआ है। इधर आपने बैटरी देनी है, इधर आपने सोलर देनी है, इधर आपने बिजली देनी है, और इधर आपने UPS का स्विच लगा देना है बस। वो UPS का जो इनपुट वाला स्विच होता है ना, जो हम इस साकट में लगाते हैं, इस साकट में जो स्विच लगाते हैं उसकी दो तारें निकाल के इधर लगा देनी है, ये इधर वाले पॉइंट पे, आउट वाले पे बस। और जब आपने इसको कनेक्ट करना है, सबसे पहले बैटरी लगानी है, उसके बाद सोलर लगाना है, उसके बाद आपने बिजली लगानी है। जब आपने इसको डिसकनेक्ट करना है, सबसे पहले बिजली ख़त्म करनी है, उसके बाद सोलर, और एंड के ऊपर बैटरी। ये मैं इसको बैटरी को उतार रहा हूँ, डिस्प्ले इसकी ऑफ हो गई है, ये कंट्रोलर आपका ओके जी। ये पैक करके लाहौर के लिए जा रहा है, ओके। ये चेक आपको करवा दिया कि पीस आपका चालू है, ये वसीम साहब का, ठीक है जी, ओके जी।